कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। पीएल संधि डायोड का दृष्टकारी रूप में प्रयोग हो गया। अब बच्चों पीएल संधि डायोड का उपयोग हम जो है एलईडी, फोटो डायोड और ट्रांजिस्टर के रूप में भी करते हैं। तो फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी और सोलर सेल, ये चार पांच टॉपिक है। और जैसा कि हमने कहा कल खत्म हो जाएगा, अब समझ गए होंगे आप लोग कि निश्चित तौर पर कल खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए जरा एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। प्यारे बच्चों पीएन संधि डायोड का उपयोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में होता है। पीएन संधि डायोड के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पीएन संधि डायोड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलकर मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब जो है पीएन संधि डायोड का प्रयोग विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, तो पहले रचना समझिए, फिर क्रिया विधि और फिर और बातें। ऐसा है बच्चों कि एलईडी के रूप में जब हमको पीएन संधि डायोड का प्रयोग करना होता है, तो हम एक ऐसा पीएन संधि डायोड लेते हैं जिसमें जो है पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक अधिक अपमिश्रित हो, माने जिनमें अशुद्धि जनरल पीएन संधि के बजाय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अशुद्धि शामिल हो, और पी टाइप और एन टाइप दोनों अर्धचालक बहुत सूक्ष्म आकार के हो। तो कहने का मतलब है कि जो है अगर हमको पीएन संधि डायोड का प्रयोग एलईडी के रूप में, भाई बराबर बता दिया, एलईडी माने लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जब पीएन संधि डायोड का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, तो इसे पीएन संधि को एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। विद्युत ऊर्जा इसमें प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और बच्चों इस प्रकार का जो है उपकरण बनाने के लिए ऐसे पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं जो अधिक अशुद्धि युक्त हो, माने जिसमें अशुद्धियां ज्यादा मात्रा में अपमिश्रित हो, और इसमें पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक बहुत सूक्ष्म आकार वाले होते हैं, और साथ ही साथ इन्हें जो है हम अग्र अभिनति की व्यवस्था में रखते हैं। तो रचना देखिए, एक पी टाइप का अर्धचालक है और ये एक एन टाइप का अर्धचालक है, दोनों सूक्ष्म आकार के हैं और अधिक अपमिश्रित हैं, माने अशुद्धि ज्यादा मात्रा में है। और बच्चों इस पीएन संधि डायोड को हम एक जो है हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर अग्र अभिनति की व्यवस्था में रखते हैं। कौन से अभिनति में है बेटा? पी टाइप वाला, देखो जरा यहाँ पी टाइप वाला बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, एन टाइप वाला ऋण ध्रुव से, और इसलिए जो है ये कौन सी अभिनति में है? अग्र अभिनति में। और बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये पीएन संधि डायोड चूंकि बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतला है, और इस हाई वोल्टेज की बैटरी से इस पर कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ इनके श्रेणी क्रम में एक बार प्रतिरोध आर संयुक्त कर देते हैं, जिसे सीमक कहते हैं। तो सीमक के रूप में एक बार प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा होता है। और अब संधि तल को छोड़कर
शेष भाग को प्लास्टिक या कांच के कैप्सूल से ढक देते हैं। समझ आया? सबसे पहले एक ऐसा पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक लेते हैं जो बहुत ज्यादा अशुद्धि युक्त हो। साधारण पी टाइप और एन टाइप के बजाय इनमें ज्यादा अशुद्धि हो। और एस्पार्गेटा, इस पी टाइप और एन टाइप को हम सूक्ष्म आकार का लेते हैं और इनसे जो पीएन संधि डायोड बनता है उससे हम किस अभिनति पर रखते हैं? अग्र अभिनति पर रखते हैं। और इस पी टाइप एन टाइप की सुरक्षा के लिए इस पीएन संधि डायोड और बैटरी के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। रचना हो गई। क्रियाविधि में होता क्या है बेटा कि पी टाइप वाला अर्धचालक बैटरी के ध्रुव ध्रुव से जुड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इसके होल्स जो है अग्रसर होते हैं संधि तल की ओर। होल संधि तल की ओर आते हैं और इलेक्ट्रॉन भी किधर की ओर आते हैं? संधि तल की ओर आते हैं। और जब यहाँ पर वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो इसका वोल्टेज जब बहुत बढ़ता है तो यहाँ चूंकि ये प्लस एंड जुड़ा है पी टाइप से, तो पी टाइप के जो होल है इस बैटरी के धन ध्रुव से और प्रतिकर्षित होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में होल संधि तल की ओर जोड़ की ओर जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर ज्यादा मात्रा में संधि तल की ओर आने लगते हैं। और जब संधि तल पर होल और इलेक्ट्रॉन का सांद्रण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर एक भी होल या इलेक्ट्रॉन संयुक्त हो जाते हैं तो वे एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब होल और इलेक्ट्रॉन संयोजन होता है तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और प्रकाश फोटॉन ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं और यहाँ से जो है फोटॉन ऊर्जा निकलने लगती है, माने प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता हम इस जो है बैटरी के विभव को नियंत्रित करके नियंत्रित कर सकते हैं। इसका विभव बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होंगे, ज़्यादा प्रोटॉन ऊर्जा निकलेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो इस उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को इस बैटरी के विभव द्वारा नियंत्रित करते हैं और प्रतिरोध की वजह से इसको क्षति नहीं पहुंचती, बचाव रहता है। तो ये बेटा जो है वर्किंग हो गई, रचना हो गई। अब थोड़ा सा एक दो हेडिंग इसमें और बताए थे कि जो है एलईडी का इस्तेमाल साधारण लैंप की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है। वजह बताए थे कि एलईडी जो है सूक्ष्म आकार गिरती है, साधारण लैंप के अपेक्षा इनको रहने के लिए कम जगह चाहिए और एलईडी की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। साधारण लैंप के अपेक्षा इन्हें ज़्यादा दिनों तक चलाया जा सकता है। एलईडी को कम जो है विद्युत शक्ति देकर के संचालित कर सकते हैं, माने साधारण लैंप में बिजली की जो है खर्चा ज़्यादा होती थी, इनको कम विद्युत शक्ति कम बिजली चाहिए चलाने के लिए, 2-3 वाट से ही चल जाती हैं, मतलब इनसे पैसे की बचत होती है और विद्युत की भी बचत होती है। और ये लॉन्ग लाइफर होती हैं, मतलब साधारण लैंप जो पहले यूज होते थे उनके जो है जीवन काल का कोई वो नहीं रहता था, लेकिन इनका जीवन काल लंबे समय तक रहता है। ये जो है साधारण लैंप की अपेक्षा ज़्यादा दिनों तक चलती हैं। और बताए थे कि इनसे मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्पन्न होती है, मतलब एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न होता है एक ही कलर का, तो आँखों को नुकसान नहीं पहुँचता। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो है कंपेयरिंग बताए थे कि एलईडी से ठंडा प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती, जबकि साधारण लैंपों के जलने पर अपार मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ता है, जबकि इनके प्रयोग से ग्लोबल वार्मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शांत बिल्कुल भी उसमें ऊर्जा नहीं निकलती है। तो ये इस तरह के जो है इनके हम आपको श्रेष्ठता बताए थे और इनका उपयोग में आप समझ रहे हो प्रकाश उत्सर्जक लैंपों के रूप में, टीवी और कंप्यूटर के रिमोट कंट्रोलर के रूप में, डाटा मेमोरी कलेक्शन के रूप में, इनका जो है हमने कई सारा इस्तेमाल बताया था। तो ये हमारा एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड है जिसमें जो है हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सेम इसी तरह से